किलोमीटर, ये रोड है 50 किलोमीटर है ना, इसलिए की है क्योंकि सालों हम ड्रोन वी हैव सीन द ड्रॉप एट 31 किलोमीटर, नेक्स्ट स्टेज में गो टू 40, नेक्स्ट स्टेज में गो टू 50, सो दे हैव गिवन 50 किलोमीटर रेंज। तो ये बीएसएफ कर दिया है, बीएसएफ आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज, वी शेयर इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, पंजाब इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ, एनआईए, ऑल इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन, सो सारा मोटा का पता कर लिया उन्होंने, सारा पता कर लिया जरूर अभी थी, दैट इज वन ऑफ द रीजन आई थिंक दैट दे हैव टेकन द रेंज टू 51। Apart from that, I've also been 10 years agriculture minister.
एक साल मैं बरनाडा का मंत्री रह चुकी है और 9.5 साल मोरबी में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चली है। 9.5 साल ये 10 साल लगे, सो आई नो समथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ स्टेट, इट इज माई सब्जेक्ट एंड आई ऑल्सो नो सिक्योरिटी इज माई सब्जेक्ट, दैट इज वाई आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस। बट गाली है कि आई होप दैट द अंडरस्टैंडिंग विच गोइंग टुमारो स्टेट and tomorrow we will meet the Home Minister and ona naal gal karange, main aur teen baar mil chuke hain Home Minister saab ko isko kehna on this issue, and I have met the NSA on the security issue, ona naal ek baar meri mulaqat ki do baar hui hai aur jaise naal teen baar bhi, because these are two very important things for me. मुख्यमंत्री की कुर्सी ढे को खून की जी साजिश लगी सी कला नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है या होर भी लोग शामिल ने। दूसरा सवाल यह है, तुम तीन बारी पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे थे, दो बारी मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ा तुम्हारा रुतबा है, प्राप्तियां भी लाई हैं, वो की कारण है कि 78 MLA 40 MLA जड़े ने तुम आपके खड़े नहीं कर सकते? देखो प्लीज बी श्योर कि कितने भी ऐसी गाल नहीं हुई थी जो मिस्टर रणदीप सुरजेवाला ने किया सी कि पता नहीं हमारी इज्जत 70 समथिंग पता नहीं किधर अपना आंकड़े कट के ले आया सी। एज फार एज आई एम अवेयर कोई ऐसी गाल नहीं हुई, समा 76 MLA ने मैंने कहा कि असि जब इलेक्शन शुरू करनी है 67 MLA ने कहा कि जब शुरू करनी है उदों असि प्लीज साढ़े वास्ते कटेन मेरे साढ़े हल्के वास्ते रखना, सो डैपोर डिबेट, सो ये 43, 76, 60 पता नहीं लग रहा है कितने फिगर्स आदि ने, दे आर नो सच फिगर्स दैट आई हैव सीन, नो कोई सर्वे नहीं हुए, कुछ नहीं होया। जब मन बना लेना है ना कि किसी को तुम चेंज करना, फिर बाद में जब खेले भी जाते कैप्टन साहब जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है मैडम अरूसा को लेकर चलती है, कल ही सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो अरूसा के कारण ही आपसे शुरू से ही लड़ाई होती आ रही है, और यही कारण है कि आज क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति कृषि के रूपों की बजाय बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक पे क्यों आ गई? पूछो मैं तो पूछ जी पूछो कैप्टन सर वेयर आर यू गोइंग टू मीट होम मिनिस्टर अमित शाह सर if this is the being said, if it is
absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab police will look after everything. If they require assistance, they will ask for BSF assistance. BSF is not taking over any end of state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points. That's all. Congress leaders are in touch with you because we have seen Rahul Gandhi holding back-to-back meetings.
since you have made this announcement that you are going to launch a party. Can you you have asked me if it's necessary for Rahul Gandhi to have back-to-back meeting with Congress, what is the reason? So, that a lot of Congress leaders are already in touch. The people, I think, Punjab is very clear about one thing, that the fight, the Congress party doesn't reach in the night, and I will not be your survey has been it shows that the Adani party is where it was many, many months ago. Because there is the Bargani issue, the other issues of Jawarki, Kot Kapura, Bairam Kala, Mera, Sara Kod, Nika Sarkali. There is a time, Dutra, Congress party is there. Well, one of the reasons, but the reason is that ever since Mr. Sidhu came on the scene, our survey shows there is a drop of about 25%. In the Congress popularity. Am I correct? Yes, sir. कैप्टन साहब इधर इसी तरह मेरे दो सवाल हैं. एक तो आपने कहा कि 31 किलोमीटर तक ड्रोन अंदर आ गए. परसों जब कैप्टन साहब की बैठक हुई है उसमें होम डिपार्टमेंट ने सुरेंद्र नाथ ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी उसमें कहा कि 3 किलोमीटर से ज्यादा अभी तक ड्रोन अंदर नहीं आए. एक सर दूसरा इसी के साथ है कि अब जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो आप किसान आंदोलन का क्या सलूशन देख रहे हैं. सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि किसान आंदोलन का क्या सलूशन अब निकलेगा. आई कांट से कि क्या निकलेगा बट आई कैन ओनली होप दैट अपने ऐसे स्विमिंग चांसों ने करीब बंदे उठे मोटा दी मौत हुई है. सानू इसलिए पता है कि असी हर घर परिवार उन्होंने मदद वास्ते असी 1,00,000 रुपया देने एंड ऑलसो एक बंदा असी एक बच्चे को नौकरी देने. तो दैट इज हैपनिंग. आई होप इट फिनिश. मैं नहीं चाहता कि होर बंदे पंजाबी साढ़े वक्तों से होर उन्होंने मौत हो गई. दैट इज वाई माई फ्रेंड मैं मेरे जो दो बार तीन बार मैं होम मिनिस्टर बार बन चुके हैं इसी इशू पे कि लेट अस फाइंड अ सोल्यूशन. सोल्यूशन जरा जिन्हें एक किसान आंदोलन खत्म हो गए और लोग पुटन और अपने घर आ जा. आप देखो कल परसों जी बारिश हुई है कितनी सारी फसलें डूबिया गई हैं. ये सारे किसान की सोच रहे हैं अपने बटे बच्चे उन्होंने नुकसान हो गया. तो डीज आर थिंग दैट असि चाहते हैं दैट इज वाई असि हूं जरा जा रहे हैं. मैं कल जा रहा है एज वी आर टेकिंग सम पीपल विद अस साढ़े नाल मेरे नाल जान के एंड जी पच्ची तीह बंदे एंड वी विल बी मीटिंग टू होम मिनिस्टर. हाँ सेहत किस तरह सर मेरी दूसरी का वो बढ़िया हुआ मैं तो ठीक है. बड़ी खुशी होती है कि तुसी एक छोटी जी कहावत है बाल हट स्त्री हट ते राज हट बहुत अच्छी गल है कि डिटरमिनेशन में तुसी लगे हुए हो. जिस कांग्रेस ने थानू हाईकमांड ने अनसीट किया विरुद्ध के टट गए. बड़ी अच्छी गल. मेरा सवाल यह है कि तुसी जदों 2017 च टेक ओवर किया ते रेवेन्यू कमीशन एक गठन किया रिटायर्ड जज नूं चेयरमैन बनाया सारू साहब ने. उन्होंने 2 साल मेहनत करके लैंड लीज एग्रीमेंट का एक एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया. 31 पेज का ड्राफ्ट है मेरे को 20 पेज. जो किसानों ने हम उथे बैठ के सारी एजुकेशन की है वही उस ड्राफ्ट बिल के इनकॉरपोरेट किया होया कि किसान अपनी जमीन लीज से दे सकता और कारपोरेट दे सकता प्राइवेट पार्टियां दे सकता मिनिमम 1 साल ते मैक्सिमम 15 साल. की थोड़ी मजबूरी रही कि 2 साल की मेहनत तो बाद तैयार किया ड्राफ्ट बिल तुसी अपने असेंबली च पास नहीं करवाया जेदे विच आ सारा कुछ ट्रेड का
और प्राइवेट पार्टियां राही किसान की फसल का खरीदना सारा कुछ शामिल है। और अगर कोई झगड़ा हुआ किसान और पार्टियां का तो ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट लेवल थोड़ी की मजबूरी रही कि वह बिल पास क्यों नहीं करवाया जरा किसान के हक च जाता और तुम हूं किसान के हक की नारे की गल करो and therefore I want to be strong to fight both the Congress and the Akali Dal
था एंड वी वुड पुट अप यूनाइटेड फ्रंट टू डिफीट दीज पार्टीज। अमृता जी पंते कपाही न्यूज है किन्तु सचिवा सर की पंते की सर मेरे दो सवाल ने तुसी अमित शाह के नाल मुलाकात कर रहे हो कि खेती कानून का हल होगा हल कि निकलेगा क्योंकि 22 जनवरी को आखिरी गलबात हुई थी केंद्र सरकार कह रही कानून रद्द नहीं होंगे किसान जथेबंदियां कह रही है कि कानून रद्द तो अलावा वापस नहीं होगा कोई होर ऑप्शन नजर आ रहा किसान जथेबंदियां तो गलबात हुई। देखो मेरी कोई जथेबंदियां गलबात नहीं हुई तुझे महाराष्ट्री जो मेरे राजपाल जी मेरे में फ्रेंड जो मेला नहीं चाहते लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਦ ਸੈਕੰਡ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ सर ये पूछना चाह रहा था कि जब आपकी सरकार थी जब आप मुख्यमंत्री थे तो जितने भी आपके ऑपोजिशन में लोग खड़े हुए थे आपके मंत्री जो थे चाहे वो सुखी रंधावा हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये बात कह रहे थे कि चाहे वो बर्गाड़ी का इशू हो चाहे ड्रग्स का इशू हो कि इनको खत्म करना चाहिए। अब एक महीने से ज्यादा हो गए आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर सुखी रंधावा के पास है अभी तक कुछ नहीं हुआ क्या कहना चाहेंगे सर इसके साथ साथ नहीं इट्स नॉट लॉ एंड ऑर्डर सुखी की मिनिस्टर ऑफ होम उन्होंने अपने पुलिस के राज उन्होंने अपना चलाया था एंड ही गॉट डीजीपी एंड ही गॉट एवरीबॉडी एल्स सो पुलिस इज डूइंग हिज जॉब एंड देन होम मिनिस्टर्स कैन चेंज चीफ मिनिस्टर्स कैन चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन कैन कम एंड ही इज डूइंग हिज जॉब लेकिन जी समझ आनी चाहिए ना अनलेस यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन आई हैव 9.5 ईयर एज होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब 9.5 साल मैं पंजाब का होम मिनिस्टर है उसके बाद 10 साल मैं तकरीबन मेरे डिग्री बैकग्राउंड है मेरी सो दैट इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एडवांटेज सुप्रीम एक महीना भी होया How can you know more than this? I have been briefed regularly. Here is a brief on I get notes like this. Security scenario and recent recoveries in Punjab. This is a paper dated August 2021. What is this? I mean, you think this is the Punjab police sent on a mission? Either a pandemic, the same one who are likely targets in America, nothing like that. But these are things that we have to be worried about. Why should the Punjab police write who are the targets here? And I am not going to mention this. डिस्कशन दुनिया में भी तो कुछ कोई गल निकलती है जल्दी जाना सरकार का नहीं हो उन किसानों ने किसानों का डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुई है और वेरियस इशूज कि प्लस हो जाते हैं कि माइनस हो जाते हैं समथिंग कह रहे हो ये गल चलिया रहनिया ने एंड समथिंग विल इमर्ज वंस आई एम श्योर जो किसान भी चाहते हैं कि सारा हल निकले और गवर्नमेंट भी चाहते कि गल हल निकले कोई ना कोई गल निकली होगी इसलिए जा रहे कि गल उ जाके बुक जो है कर असं जा रहे हैं दस मेरे नाल मेरे लोग जा रहे हैं दे आर ऑल इनवॉल्व इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ट्रेनिंग ताकि जाके उसे आपको अपने इंटरव्यू देंगे कि
आप भी वापस देख लो, आप भी देख लो इस तरीके से। कैप्टन साहब पंजाब के बहुत सारे मसले हैं जी, भावे जे दो मसले मेरी बरगाड़ी बरगाड़ी घटना जिड़ी करके थोड़ी सरकार हो चाहिए थी, दूजे है खेती अंदोलन, पर दोनों के मसलों के भूमिका शक्की छापी है जी। जिमें सैनल जी है डेरा सच्चा सौदा वाल बैठ रही होगी, ना ही उन्होंने प्रोटेक्शन जो ग्रांटा डेरा सच्चा सौदा दी ने वो लैवल सफल रही है। दूजा खेती अंदोलन के दौरान जरा है सिंधु घाटी के किसानों गला से रिश्ता देने का रहे, पर होम मिनिस्टर जरा है एक पास मिले हैं जिम्मे हम बार बार एक बार कोर्ट चाहे हूं मैं हिन्दुस्तान का कानूनी चला जजेस को चलाना पैदा है, वो जो जज कटे जो कुछ कहे आप ही जजेस दसनगे की कौन गिनती है कौन नहीं गिनती ऑन दिस इशू। और जरा किसानी अंदोलन है, किसानी अंदोलन है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड किसान, वी आर नॉट पार्टी, लेकिन मैं अपने तौर पर अब होम मिनिस्टर गल कर मेरा इतने आई कैन है बिकॉज मैं चीफ मिनिस्टर भी रहे साढ़े नौ साल और मैं एग्रीकल्चर दस साल का मिनिस्टर रहे। फैसला करूंगा बट लॉ अनफॉर्चुनेटली लॉ टेक्स